सोने की कटोरी और चांदी की प्लेट, विशेष तरह के तैयार किए गए गिलास और चम्मच, मेहमानों की मेहमान नवाजी के लिए की गई तैयारी का ये एक पहलू है। दूसरा पहलू मेहमानों को परोसे जाने वाले खाने का है, जिसकी तैयारी बेहद खास है। खाने में विशेष तौर पर मोटे अनाज को शामिल किया गया है। मोटे अनाज के साथ स्ट्रीट फूड को भी मेन्यू में शामिल किया गया है। हम काफी टाइम से खास तैयारियां कर रहे थे मिलेट्स को लेकर, जो हमारा श्री अन्न है, जो मिस्टर मोदी का एक विजन है, श्री अन्न को आगे बढ़ाना है, मिलेट्स के साथ हमने उसको लेके जाना, उसी को ध्यान में रखते हुए काफ़ी टाइम से हम तैयारी कर सकते हैं। आप यूँ कह सकते हैं कि 6 महीने से पिछले हम लोग हम तकरीबन इसकी तैयारियां कर रहे थे। मेहमानों के लिए तैयार किए गए मेन्यू में 500 से ज्यादा डिशेस को शामिल किया गया है। इनमें बिहार का लिट्टी चोखा, गुजरात की डिशेस से लेकर पानी पूरी, दही पूरी, मिर्ची वड़ा, बीकानेरी दाल का पराठा, टिक्की, जोधपुरी काबुली पुलाव और लिलवा कचौरी तक शामिल है। छोटी छोटी कैनेपीज बनी हुई हैं, जो कि एक वाटरमेलन की है, एक हमारे पास अवोकाडो की है। लेकिन साथ ही साथ हमने इसमें खाने के लिए जो मेन फोकस हमने रखा है, जो हमारी महाराजा थाली है, वो इंडियन थाली, इसमें हमने बहुत सारी ट्रेडिशनल डिशेज इंट्रोड्यूस करी हुई हैं इसके अंदर अपने पास, और साथ ही साथ इसमें मिलेट का भी जोर रखा हुआ है। जैसे मिलेट की रोटी दिखाई दे रही होगी, बाजरे की रोटी, ये ज्वार की रोटी है, बाजरे की खिचड़ी है, बाजरे की खीर है, यहाँ पर अमरंथ का रायता बनाया हुआ है। क्योंकि इस साल अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष मनाया जा रहा है, इसलिए बाजरे से बनी डिशेस को खास तौर पर मेन्यू में जगह दी गई है। गौरतलब है कि G20 समिट के लिए दिल्ली के 30 से ज्यादा होटल बुक किए गए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन दिल्ली के ITC मौर्य शेरेटन में ठहरेंगे, वहीं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक शांग्रीला होटल में रुकेंगे, जर्मन अधिकारी भी इसी होटल में रुकेंगे, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के लिए क्लर्जेस होटल में बुकिंग की गई है, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज इंपीरियल होटल में ठहरेंगे, तुर्की, मॉरिशस, नीदरलैंड्स, नाइजीरिया और स्पेन के डेलीगेट्स के ठहरने की व्यवस्था ओबेरॉय होटल में की गई है, चीन के डेलीगेट्स और ब्राजील के अधिकारी ताज पैलेस में रुकेंगे। खास बात यह है कि G20 समिट के लिए बुक किए गए सभी होटल के मेनू में मोटे अनाज से तैयार डिशेस शामिल की गई है।